हाय दोस्तों, शुगर ग्रैनी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज आई प्रोटेक्शन ऑफ आईज के बारे में बताती हूँ, आंखों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। अब ये सबसे पहले मैंने ये प्लास्टिक शील्ड बनाना सिखा रही हूँ आपको, जो कोविड में बहुत कामयाब है और आंखों की भी प्रोटेक्शन होगी इससे। अब बाहर निकलते हैं तो ये बाइक वगैरह पे जैसे जो बच्चे जाते हैं, और उसके लिए ये देखो, ये घर में ही जो घरेलू सामान होता है मैं उन्हीं से ही ज़्यादातर बताती हूँ। ये देखो, ये प्लास्टिक का एक बैग सा ले लिया मैंने, और ये शील्ड है। चाहे आप चाहो तो दो तीन तय ना बुकरम की ले लो। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है, पता नहीं कपड़ों में से ही निकला हुआ है, मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे इसमें करके ये फोल्ड कर दूँगी। ये देखो, ये इलास्टिक मैंने ले लिया है इसमें डालने के लिए। ये देखो, सिर के नाप से वो कर लेना। ये देखो, ये यहाँ से आके इधर ऐसे आ जाएगा। अब ये इसके बीच में, ये देखो, ये ऐसे करके इसको मैं ये ले लूँ। ये हो गया। आप चाहे तो इसको वैसे गांठ लगा लें, या इस तरह करें तो हम ज़्यादा ये पक्की हो जाएगी, हमारी निकलेगी नहीं ये गांठ लगी हुई प्लास्टिक। ये देखो, अब इसी तरह हम दूसरी साइड लगा लेंगे इसको, ये ऐसे हमारी खुलेगी नहीं। और ये हमने पहननी कैसे है ये आपको मैं बता रही हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप बाइक वगैरह पे जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कुछ देखने में या कुछ वो है। ये देखो, इसमें करके आपने ये ऐसे इसका होता है। ये देखो, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, डबल शील्ड है, ये उड़ेगी भी नहीं और वो होगी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे मैं बता रही हूँ कि आंखों की देखभाल हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो ऐसे है, जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारे को उठते ही ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए आंखों पे। इससे हमारे आंखों में जो जाला जुला होता है वो सब हट जाता है। और घास पे, हरी घास पे नंगे पांव चलना चाहिए, ये तो आप लोगों को सब पता है। और इसके बाद है कि आपने जब भी स्टडी करते हो, आपको लाइट पीछे से आनी चाहिए और प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। डिम लाइट में पढ़ने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होएगी और आंखों पे असर पड़ेगा। अच्छा, बाहर निकलते हो सोते टाइम आपको क्या करना है, सोते टाइम बिल्कुल डार्क रूम में सोना है, लाइट नहीं होनी चाहिए, सोते टाइम बिल्कुल डार्क रूम हो, और ताकि अच्छे से नींद आए। और नेक्स्ट मेरा है कि आपने जब भी बाहर निकलते हो धूप में गॉगल्स लगा के निकलना चाहिए, बिना गॉगल्स के नहीं निकलना चाहिए। रोशनी के लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को बच्चों को भी हमारे को एडवाइस करना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें। ये देखो, हमने पेन या पेंसिल कुछ भी ले लो, ये पेन की नोक है, आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है, इतनी दूर ले जाओ इसको, ये आंखों के नजदीक ले आओ, फिर इसको ऐसे, ये हमने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, आई बॉल, अपनी जो आई बॉल है उसको हमने क्या करना है, ऐसे घुमाना है, रोटेट करना है, इससे भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और एक्सरसाइज होती है आंखों की, ब्राइटनेस हो जाती है हमारे को। जैसे स्वेलिंग होती है आंखों पे या रेडनेस होती है, तो हमारे को गर्म पानी लेके हमारे को ऐसे कॉटन बीच में डालनी है। ये देखो, गर्म पानी में हमने ये ऐसे आंखों की वो करनी है, फोमोटेशन करनी है। ये ऐसे पकड़ो आंखों और इससे ये क्लीन कर सकते हो, ऐसे हमने ये क्लीन करनी है अच्छी तरह से। जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हमने, ये टिप होती है, जो टिप पे हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये भी आंखों को रोकनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इधर ये देखो, हमने इसको दबाया इधर से, ये वाली, ये देखो, इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। ये भी आंखों की रोकनी को बढ़ाती है।
अच्छा हाथों की हथेलियाँ ऐसे रगड़ के अच्छी तरह ये आंखों के ऊपर हमने ऐसे लगानी है। ये भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा और हमने क्या करना है खाने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने ये देखो आधी कटोरी मैंने चने लिए हैं, आधी कटोरी चने ले लो, ये धागे वाली मिश्री, एक पीस धागे वाली मिश्री ले लो, और ये इतनी सी इलायची, ये काली मिर्ची है ये ले लो, और ये है खसखस, एक चम्मच हम लेंगे खसखस की, ये देखो एक चम्मच खसखस ले लो, और इनको अच्छी तरह पीस के इनका पाउडर बना लो, और दूध के साथ सुबह उठते ही आधा चम्मच ले लो खाली पेट, और सोते टाइम भी दूध के साथ आधा चम्मच ले लो। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज्यादा। आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल, आंखों के नीचे और ऊपर वाले हिस्से में डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, आधा एक आलू ले लो, आलू को पीस लो या मिक्सी में ग्राइंड कर लो, उसमें थोड़ा टमाटर डाल लो, आधा एक टमाटर डाल लो, और आप थोड़ा सा एक पीस खीरे का डाल दो। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका जूस निकाल लो, जूस निकाल के इसको ऐसे आंखों पे आप लगाओ, कॉटन ले लो, कॉटन से ऐसे अपने इसके ऊपर आंखों पे रखो और इस पे ऐसे लगाओ, हल्का हल्का मसलते रहो, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपके ये डार्क सर्कल है ना जो, ये भी हट जाएंगे। ये आप एक दो दिन छोड़ के करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाला भी नहीं है प्रोसीजर, आप आराम से कर सकते हो। ये काले चने और खसखस और काली मिर्ची और मिश्री, और इसमें इतने से हमने ये बादाम भी डालने हैं, ये देखो ये भी आंखों के लिए रोशनी। और कश्मीरी बादाम होते हैं जो तेल वाले, वो वाले यूज करने हैं हमने, और इनको अच्छी तरह भाई पाउडर का आपका मैंने बता ही दिया आपको, इसको बादाम भी इसमें मिक्स कर लेना करना है। अगर आपको कई बार खुदा ना खास्ता चोट लग जाती है या कुछ है, तब भी आप रेडनेस भी होएगी, स्वेलिंग भी होएगी, पेन भी होएगी, तो आपने फॉर्मोटेशन जरूर करनी है, उससे ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ये ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आप डॉक्टर मोनिका मित्तल को जाके दिखाओ, रोहतक गेट पे उनका नर्सिंग होम है, और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे नेचर की डॉक्टर है, आप उनको जाके दिखा सकते हो। ओके बाय, थैंक यू। अब आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।